ये है देश के सबसे सस्ते पॉकेट वेंटिलेटर। महंगा वेंटिलेटर अब आपकी जेब में होगा। It's easy to carry, very portable size of the hand and very convenient. वेंटिलेटर को लेकर हुई नई क्रांति पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। ₹5 लाख वाला वेंटिलेटर अब सिर्फ ₹20,000 में। करीब 1% है उस कॉस्ट का, करीब 100 गुना ज्यादा सस्ता है और बाकी सारे वेंटिलेटर से बहुत ही ज्यादा छोटा भी है। मौत से संघर्ष करने वाले मरीजों को नया वरदान मिल गया है। It's definitely a plus point for the ventilator service very good in India. एक एक सांस के लिए संघर्ष कर रहे मरीजों के दर्द का इलाज बहुत ही आसान है चलाने के लिए। जेब में वेंटिलेटर। आपने अक्सर इस तरह की खबरें सुनी होंगी कि ऑक्सीजन और बेड्स की कमी से मरीज की मौत हो गई। आपने ये भी जरूर सुना होगा कि मरीज को वक्त पर वेंटिलेटर मिल जाता तो शायद उसकी जान बच जाती। एम्स की रिसर्च के मुताबिक वहां हर साल करीब 200 मरीज ऐसे आते हैं जिन्हें जीवन भर वेंटिलेटर की जरूरत होती है। जाहिर है पूरे देश में ऐसे मरीजों की बहुत बड़ी संख्या होगी। इन मरीजों के लिए पॉकेट वेंटिलेटर एक वरदान साबित हो सकता है। इस वेंटिलेटर को बनाया है एक 25 साल के युवा वैज्ञानिक दिवाकर वैश्य ने। ये पॉकेट वेंटिलेटर मौत से जूझ रहे मरीजों के लिए वरदान साबित हो सकता है। कॉम्पैक्ट डिस्क जैसा दिखने वाला ये बॉक्स हेल्थ केयर की दुनिया में नई क्रांति ला सकता है। ये दरअसल एक पॉकेट वेंटिलेटर है जिसका फिलहाल दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स में ट्रायल चल रहा है। जेब में समा सकने वाले इस वेंटिलेटर का आविष्कार करने वाले युवा वैज्ञानिक दिवाकर वैश्य का दावा है कि ये वेंटिलेटर दुनिया का सबसे छोटा, सबसे सस्ता और तकनीक के लिहाज से सबसे एडवांस वेंटिलेटर है। गर्दन की चोट की वजह से कई सारे पेशेंट्स में फुल बॉडी पैरालिसिस हो जाता है और सिर्फ फुल बॉडी पैरालिसिस का मतलब कि पूरे शरीर में लकवा मार जाता है। ये वेंटिलेटर क्या क्रांति ला सकता है ये आप सचिन को देखकर समझ सकते हैं। 17 साल का सचिन पिछले 4 साल से दिल्ली के एम्स अस्पताल में बिस्तर पर वेंटिलेटर के सहारे है। स्कूल में खेलते खेलते गिरने से गर्दन में चोट लगी और 2 साल के अंदर पैरालिसिस ने जकड़ लिया। तब से बिना वेंटिलेटर की मदद के सचिन सांस भी नहीं ले सकता। 2014 से फिर वहीं पर रही है। वेंटिलेटर लग गया, सांस लेने में दिक्कत हो गई, कुछ हाथ पैर काम नहीं कर रहा, कोई मूवमेंट नहीं कर रहा। रात और दिन हम पड़े रहते हैं, हमारी मिसेज और मैं दोनों जने रात और दिन वहीं पड़े रहते थे। रात और दिन पड़े रहने के चक्कर में कोई काम धाम करते नहीं थे, एक एक पैसे के लिए परेशानी हो गई, बहुत दिक्कतें हो गई। क्या बताएं हम, बहुत दिक्कतें हो गई। मतलब हमारा एक ही बेटा वो एम्स के अंदर पड़ा हुआ है 4 साल से। एम्स के न्यूरोसाइंस सेंटर के इस कमरे में ऐसे कई मरीज हैं जो 3-4 साल से यहीं भर्ती हैं। इनमें जान तो बाकी है लेकिन तब तक ही जब तक वेंटिलेटर इनका सहारा बने हुए हैं। ऐसे में इन्हें अस्पताल से छुट्टी देना मुमकिन नहीं है। जरा सोचिए, अगर ये वेंटिलेटर हर जरूरतमंद को वक्त पर मुहैया हो सके तो बिना वेंटिलेटर और बिना ऑक्सीजन के मरने वालों को बचाया जा सकेगा। बड़े पैमाने पर बीमारी फैलने पर तेजी से किसी भी दूरदराज इलाके में वेंटिलेटर भेजना मुमकिन हो पाएगा।
दिवाकर के मुताबिक ये दुनिया का पहला वेंटिलेटर है जिसमें अलग से ऑक्सीजन सिलेंडर लगाने की जरूरत नहीं है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम पर चलने वाला दुनिया का पहला वेंटिलेटर है, यानी इसे मरीज के परिवार के लोग भी ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें दिख रही रेड लाइट इसके ऑन होने का संकेत है, ब्लू लाइट सांस लेने और ग्रीन लाइट सांस छोड़ने का संकेत है। अगर किसी वजह से इसमें तकनीकी खराबी आ जाए तो इसमें पीले रंग की लाइट जलने लगती है। इसके बाद ये कुछ वक्त के लिए खुद ब खुद बैकअप पर यानी सेकेंडरी सिस्टम पर आ जाता है। तकनीकी मदद के लिए इसे बनाने वाली कंपनी के हेडक्वार्टर से संपर्क साधा जा सकता है। इसके अलावा ये मोबाइल पर अलर्ट मैसेज भी भेजता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, रेड आपको पावर लाइट के लिए दिखाई दे रहा है, साथ में इसके अंदर ग्रीन मतलब कि सांस बाहर छोड़ रहे हैं और ब्लू का मतलब कि वो सांस अंदर ले रहे हैं। केवल ये तीन लाइटें हैं। अगर इसके अंदर कुछ भी गड़बड़ होती है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम तो इसके अंदर येलो लाइट जल जाएगी, मोबाइल के ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा, आप लैंग्वेज भी चूज़ कर सकते हैं इंग्लिश या हिंदी, उसके अंदर लिखा हुआ आ जाएगा कि क्या दिक्कत है और किस तरीके से आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको किसी तरीके से इसको सीखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आगे बढ़ती है हमें उसके साथ आगे बढ़ना पड़ता है। लेकिन इस वेंटिलेटर के साथ, इस टेक्नोलॉजी के साथ हमने इसे इस तरीके से बनाया ताकि इसके लिए सीखने के लिए ट्रेनिंग की किसी को कोई जरूरत ना पड़े। सांस लेने के लिए डॉक्टर मरीज के गले में एक ट्यूब डाल देते हैं, उस ट्यूब को वेंटिलेटर से जोड़ दिया जाता है। ये वेंटिलेटर बिजली से चलता है। ट्यूब को वेंटिलेटर से जोड़ने के बाद बिजली का प्लग ऑन करते ही वेंटिलेटर काम करने लगता है। इस वेंटिलेटर में प्रेशर सेंसर लगा है जो मरीज को उनकी इच्छा के अनुसार सांस लेने और छोड़ने में मदद करेगा। अब सबसे बड़ी बात ये कि ये मरीजों तक कब पहुंच जाएगा। एम्स के न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट में फिलहाल इस मशीन का ट्रायल मरीजों पर किया जा रहा है। सचिन भी उन्हीं मरीजों में से एक मरीज हैं जो इस ट्रायल का हिस्सा है। इसके बाद इसे FDA की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। एम्स के डॉक्टर और इसे बनाने वाले 25 साल के दिवाकर का मानना है कि सरकार अगर इस वेंटिलेटर को बाजार में लाने में आगे आए तो ये काम जल्दी किया जा सकता है, ताकि एक एक सांस के लिए मौत से लड़ रहे मरीजों को जिंदगी की ये नई सौगात जल्द मिल सके। तो बहुत से ऐसे मरीज जो कि अपने घर पर रहकर भी वेंटिलेटर की जरूरत को पूरा कर पाएंगे सिर्फ एक ऐप की मदद से, और बिना ऐप के चाहें तो फिर हेड ऑफिस से जुड़कर इस वेंटिलेटर को अपने आप कंट्रोल करना भी सीख सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा दिवाकर ने बताया 15,000 से 20,000 अगर कॉस्ट इसकी रखी जाती है तो वो आजकल एक साधारण स्मार्टफोन की कॉस्ट से भी कम मानी जानी चाहिए। लेकिन अभी रास्ता लंबा है। इसे आम लोगों तक पहुँचाने के लिए सरकार के चैनल की उम्मीद की जा रही है कि उसके ज़रिए इसे लोगों तक पहुंचाया जा सके, ताकि ये जान बचाने वाली चीज है और ये सिस्टमैटिक तरीके से लोगों तक पहुंचेगी तो लोगों में भरोसा भी जगेगा इस बात का, ये भी जाहिर है। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली। पॉकेट वेंटिलेटर की खोज किसी बड़ी क्रांति से कम नहीं है। हमें उम्मीद है कि ये आविष्कार बहुत जल्द बाजार में पहुंच जाएगा और इससे आप सबको फायदा होगा।